बिहार के प्रतिभाओं के साथ एक मजाक है, एक खिलवाड़ है। जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उसको ये सर्टिफिकेट देंगे? कितने बिहारी को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं और किन लोगों को दे रहे हैं? आप खुल करके इनके प्रतिभाओं का हनन कर रहे हैं। 4.25 लाख बहाली एक साथ करते तो आपकी सीट खाली रह जाती है। क्यों? आपकी नीयत में खोट है। आप जिसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसमें कई आपत्ति और कई तरह के शिकायत आया, उसका समाधान आपने नहीं किया। हड़बड़ी में ये कई गड़बड़ी कर दिए हैं, हमेशा इनका गड़बड़ी। आज इनका शराब नीति इसीलिए फेल किया, खनन नीति इसीलिए फेल किया, ये नियुक्ति नीति भी पूरी तरह से इनका फेल है, क्योंकि नीयत में खोट है इसलिए नीति कभी सफल नहीं होगी। ये पूरी तरह से जो कर रहे हैं इसका परिणाम आने वाला दिनों में बिहार के युवाओं को भुगतना पड़ेगा। भ्रष्टाचार का जब आरोप लगता है तो ये चोर मचाए शोर जोर जोर से चिल्लाते हैं और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का खेल खेलते हैं। अरे इतनी लंबी समय नहीं, जिस पर भ्रष्टाचार लगा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देनी चाहिए और तब तक सत्ता में नहीं रहनी चाहिए जब तक उसका दोष मुक्त न हो जाए। सत्ता में बने रहने का कैसे नैतिक अधिकार है संवैधानिक पद पर बैठने का? ये भ्रष्टाचार लोग भारत को भ्रष्टाचार युक्त बनाने का कांग्रेस के नेतृत्व में जो वातावरण बनाए हैं, जनता इसकी जवाब देगी।